थोड़ा बड़ा हो सकता है ऐसे। ये दक्षिण के जिनाले में भगवान का चित्र है, नहीं दिख रहा है ना? उन्होंने पीछे अलग से लगाया छत्र, और वो पहले वाला जो छत्र था उसमें तो साथ में ही छत्र था। पहले वाला छत्र का पूरा बृहत रूप ये है। मठ मंदिर में अंदर की तरफ मूल नायक के दाहिने हाथ की तरफ अंदर साइड में है, ऐसे पूर्वाभिमुख प्रतिमा है, और ये बीच में जिनेंद्र भगवान है, और उनके आजू बाजू बड़ी सुंदर संरचना की है उन्होंने, और ये पीछे छत्र है डंडे के ऊपर। और ये छत्र घूमते भी हैं, छत्र का झूलना अशुभ है, अस्थिरता का सूचक है। तो वहां पर जो समाज होगी झूलते हुए छत्र पे, जहां भी भगवान के छत्र झूलते होंगे, वहां की समाज का वर्चस्व नहीं रहेगा, और जहां पर अचल छत्र होंगे, हर राजधानी के किसी मंदिर में आपको अचल छत्र मिलेंगे। देखिएगा, चाहे वो मुंबई हो, चाहे उपराजधानी नागपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे और कोई भी भोपाल हो, वहां पर आपको किसी न किसी मंदिर में अचल छत्र मिलेंगे। या तो वो मार्बल के छत्र होंगे, या पाषाण के, या कोई भी ऐसे छत्र आपको अवश्य मिलेंगे जो हिल नहीं रहे हैं, झूल नहीं रहे हैं। छत्र शासन का प्रतीक है। ये तीनों लोक के नाथ है लिखा ना, अभी तो अपन ने पढ़ा श्लोक, तो तीनों लोक के नाथ है। वो छत्र अचल होगा तब तो नाथ होंगे, ऐसे झूलता रहेगा तो क्या संकेत है उसका? जैसे फटे हुए ध्वज का ये संकेत है कि समाज संपन्न नहीं हो सकती। अगर जिनालय का ध्वज फटा हुआ हो, जीर्ण शीर्ण हो, तो ये इस बात का सूचक है कि समाज में विपन्नता है, संपन्नता नहीं। और अगर वो ध्वज कलश से टकरा रहा हो, हवा में लहराता ना ध्वज, वो अगर कलश से टकरा रहा हो तो समाज में टकराव रहता है। ये मंदिर का वास्तु अगर परफेक्ट हो तो समाज एकदम खुशहाल होती है। आज के तथाकथित मिथ्या वास्तु शास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं, जिन वास्तु शास्त्रों में मद्य मांस मदिरा का प्रयोग उल्लिखित है, उन कुशास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्राचीन शिल्प विद्या जैसे जो वास्तुशास्त्र पूर्व काल के थे, धरसेन आचार्य द्वारा विरचित थे, उन वास्तुशास्त्रों में जो वर्णन आज लगभग अनुपलब्ध है, वो लेकिन वो जैन परंपरा से ज्ञान चला आ रहा है, और प्रतिष्ठा शास्त्रों में उसका कुछ उल्लेख मिलता है, कुंदकुंद श्रावकाचार में, वसुनंदी श्रावकाचार में, वसु बिंदु प्रतिष्ठा पाठ में, वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ में, और निमिचंद्र प्रतिष्ठा तिलक में, ऐसे ग्रंथों में कहीं कहीं कुछ इसका संकेत मिलता है। यहाँ तक के कि द्वार के आधार पर प्रतिमा की आकृति का नाप बताया जा सकता है कि अगर द्वार इतने अंगुल का है, इतने सूत का है, तो प्रतिमा कितनी बड़ी होगी, वो अनुपात भी निश्चित है। ये नहीं कि आपको सुविधा हो रही है, बड़ा दरवाजा बना लिया आपने ताकि अच्छे से आप वो कर लो अपनी अनुकूलता के अनुसार, तो उसके अनुसार नहीं चलता वहाँ पर। वहाँ पर प्रतिमा कितने अंगुल की है उसके आधार पर ये द्वार भी उतना ही होता है, गर्भालय भी उसी अनुपात से होता है। अभी कोई एक ऐसे शास्त्री हैं जिनको इसके बारे में जानकारियां है, तो एक बार उनको हिम्मत नगर के मंदिर में ले गए, तो उन्होंने केवल द्वार देख करके बता दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये प्राचीन विधि से बना हुआ मंदिर है, तो केवल द्वार देख करके उन्होंने कुछ नापा और उनने बता दिया कि वेदी इतनी बड़ी है, मूर्ति इतनी बड़ी है मंदिर में, अंदर गए बिना, और अंदर जाकर देखा तो बिल्कुल वही माप था। तो वास्तु कोई हंसी खेल नहीं है,
और अभी जितने लोग वास्तुगिरी कर रहे हैं उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। प्रामाणिकता हो तो एक श्लोक तो सुना दे, वो क्या लिखा है कहां पर, कौन से वास्तुशास्त्र में कौन से आचार्य ने क्या लिखा है वो बता दो। नहीं तो श्रद्धालु लोग तो श्रद्धा से कुछ भी मानने को तैयार है, उससे थोड़ी काम चलता है। ये जैन शासन है, किसी का निज शासन नहीं है। तो ये तीन छत्र का वर्णन था, और इन तीन छत्रों में ये खूबियां होती है